हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अभी दो दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात किया था कि क्या इंडिया 2025 तक $5 trillion की इकोनॉमी बन सकता है। ये 5 trillion का आंकड़ा हमारे साथ ऐसे चिपका है मानो जिस दिन हमने ये 5 trillion का आंकड़ा क्रॉस किया उस दिन जैसे एक नए भारत का जन्म होगा। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो जन्म ऑलरेडी होने लगा है। किस चीज का? वेस्टर्न वर्ल्ड के बाद अब यहाँ एशिया के नए सुपर पावर बनने का। मानो या ना मानो, फ्यूचर एशियाई कंट्रीज का ही है, जहाँ इन कंट्रीज ने हिस्ट्री में जो अपना पावरफुल स्टेटस खो दिया था ये उसे वापस लेने लगेंगी और इंडिया उन्हीं में से एक होगा। कहाँ होगा इंडिया आज से लगभग 100 साल बाद? शायद कोई नहीं जानता, पर आज जानने की कोशिश तो कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहली चीज उसी से शुरुआत करते हैं जिसको मैंने सबसे पहले इस वीडियो में पकड़ा था, यानी कि इकोनॉमी। $5 trillion की बात कर रहे थे हम लोग और कंफ्यूज थे कि कब तक हम इसे अचीव कर पाएंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमें 100 साल तो इसके लिए नहीं लगने वाले हैं। इसी डिकेड के अंदर यानी 2030 से पहले पहले इंडिया $5 trillion की इकोनॉमी के इस मार्क को पार कर जाएगा। नाउ अब अगर आप मुझसे बोलोगे कि इकोनॉमी का प्रेडिक्शन करके बताओ कि 100 साल बाद कितनी होगी, तो ये बहुत मुश्किल है। इकोनॉमी का प्रेडिक्शन करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि देश में कुछ भी लफड़ा होता है तो सबसे पहले उसकी मार इकोनॉमी पे ही पड़ती है, जैसा हमने कोरोना में भी देखा। लेकिन हाँ, 2050 तक PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी GDP इंडिया की $43 trillion को क्रॉस कर जाएगी। ये अमेरिका से ज्यादा होगी उस वक्त, शायद चाइना इसमें हमसे आगे रहेगा। पर कैपिटा इंडिया की इंक्रीज होगी, लेकिन क्या इंडिया 100 साल में चाइना को पीछे छोड़ देगा? देखो, झुंझुन वाला सर तो बोल रहे हैं कि 25 साल में ही छोड़ देगा, लेकिन शायद हाँ, क्योंकि इस वक्त इंडिया के अंदर एक अच्छा खासा ग्रो करता हुआ मार्केट है। थैंक गॉड टिकटॉक बैन हो गया, जिस वजह से अच्छे खासे ग्रो करते हुए रियल बिजनेसेस हैं। और इंडिया एक बहुत ही यंग नेशन है, जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इंडिया के पास बहुत ज्यादा है। हाँ, शायद आज भी हमें उसमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन को स्किल देने की जरूरत है, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास यंग पॉपुलेशन तो है। और यही चीज इंडिया की बड़ी मार्केट, इंडिया की बड़ी यंग पॉपुलेशन इंडिया का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। लेकिन इसके साथ साथ एक और पॉइंट होता है जो कंट्री उसकी इकोनॉमी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। काफी बारी मैंने वीडियोस में बोला है कि किस तरह से एक देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी इकोनॉमी को बेहतर बना सकता है। और क्या इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आज मौजूदा ऐसा है कि हम उससे सेटिस्फाई हो सके? नहीं। क्या 100 साल बाद अच्छा होगा, ऐसा होगा कि हम सेटिस्फाई हो पाए? बिल्कुल हाँ, इंडिया उस ट्रैक पर चल चुका है जहां देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। कितने एक्सप्रेसवेज इंडिया में बन रहे हैं, कितनी सारी रोड्स बन रही हैं, कितने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज पे काम हो रहा है। देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर जाने वाले सामान यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड बिजनेसेस को फायदा पहुंचाने के लिए सागरमाला फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उस पे काम हो रहा है। ये सब वो प्रोजेक्ट्स हैं जो तैयार होने में समय जरूर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट इंडिया को वो बेस दे देंगे जो हमें ग्रो करने के लिए चाहिए, जिसकी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत पहले से जरूरत थी। रोड्स के साथ साथ इंडिया जैसे नेशन के लिए रेलवे भी कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा साधन है, और इंडिया कोशिश कर रहा है कि उसको भी टाइम के साथ इम्प्रूव किया जाए। हम शायद थोड़ा लेट जरूर है बाकी कंट्रीज से, जहां बहुत सी कंट्रीज में आज हाई स्पीड रेलवे है। ओवरऑल रेलवे का सिस्टम बेहतर है। ये बोला जाता है कि इंडिया काफी बड़ा नेशन है तो रेलवे को मैनेज करना उतना ही मुश्किल है, जो शायद एक्सेप्टेबल है। लेकिन चाइना भी एक काफी बड़ा नेशन है, अमेरिका की भी काफी बड़ी रेलवे है, लेकिन इंडिया की रेलवे के साथ एक स्टीरियोटाइपिकल इमेज जुड़ी है, जिसके लिए मैं बोलूंगा कि शायद वो बिल्कुल गलत भी नहीं है। क्योंकि इंडियन रेलवे के हालात ऐसे ही थे, स्टेशन पर कूड़ा कचरा, ट्रेन 12-12 24 घंटे लेट। लेकिन क्या अब सब सही हो गया है? शायद नहीं। हाँ, लेकिन इम्प्रूवमेंट जरूर है और धीरे धीरे ही होगा। आज इंडिया के बदलते स्टेशन नए इंडिया की तस्वीर सामने रख रहे हैं। इंडिया में फैलता हुआ मॉडर्न मेट्रो सिस्टम, कुछ राज्यों में बन रहा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इंडिया में बन रहा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर इंडिया की रेलवे को फ्यूचर में काफी आगे लेके जाएगा। 2026 या 2027 में आपको इंडिया में पहली बुलेट ट्रेन चलती हुई दिख जाएगी, जिसके बाद इस हाई स्पीड रेल का एक्सपेंशन धीरे धीरे पूरे इंडिया में शुरुआत में मेजर सिटीज यानी जो बड़ी इंपॉर्टेंट सिटीज है इंडिया की उनको कनेक्ट करने के लिए कर दिया जाएगा। 100 साल बाद क्या होगा,
शायद इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे हाई स्पीड ट्रेन होगी अगर सच में बुलेट ट्रेन इंडिया में सक्सेसफुल रही तो। खैर, बुलेट ट्रेन इंडिया में सक्सेसफुल रहेगी उम्मीद तो है, लेकिन अभी एक ऐसी चीज है जो कि इंडिया में बहुत सक्सेसफुल रही है, टेक्नोलॉजी यानी आईटी। इंडिया में जब से इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हुआ था तब से ही इंडिया ने खुद को इस फील्ड में बहुत बड़ा प्लेयर साबित किया है। हाँ, इंडिया ने बहुत बलिदान दिया है आईटी में, कई एम्प्लॉयज ने रातों की नींद का बलिदान दिया है, कईयों ने अपनी छुट्टियों का बलिदान दिया है, लेकिन इंडिया इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर उभर करके सामने आया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगले 100 साल भी नहीं, अगले 40-50 सालों में ही इंडिया इस पूरी मार्केट को खुद से लीड करने लगेगा। अगला सिलिकॉन वैली इंडिया में ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, इनके इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के साथ साथ इंडिया में इन सब का फ्यूचर में काफी बड़ा बिजनेस पोटेंशियल है। और हाथों में आई इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है कि आज कोई भी अपने हाथ में एक लैपटॉप में और मोबाइल में मौजूद इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर से जुड़कर अपना डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में दे सकता है, साथ ही खुद को ग्रो कर सकता है। कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं आज जिनको टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया ने छोटे मोटे नहीं बल्कि लाखों करोड़ों की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दी है। लेकिन इन सब के लिए जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इंडिया के पास पॉपुलेशन तो बहुत है, अगले 100 सालों तक ये बढ़ती नहीं रहेगी, वैसे काफी टाइम बाद ही कम हो जाएगी, लेकिन क्या इनमें स्किल है, क्या एजुकेशन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। आज के समय में इंडिया में लिटरेसी रेट 77% है, यानी हर 100 में से 77 लोग पढ़ना या लिखना जानते हैं। आप ये आर्टिकल चेक करो जिसमें गवर्नमेंट का मन है कि 2030 तक इंडिया में 100% लिटरेसी रेट अचीव करना है, लेकिन अब कितना पॉसिबल है ये सवाल है। खैर, वीडियो में हम लोग 100 सालों के बाद की बात करें तो फिर तो तब तक मैं आंखें बंद करके ही बोल सकता हूँ कि हाँ, तब तक तो 100% हो ही जाएगा, लेकिन देखते हैं कि क्या 2030 तक गवर्नमेंट जिसको अचीव करना चाहती है क्या इसको अचीव कर पाती है। इसके अलावा एक और चीज है जिसके बारे में शायद हमें बात करना जरूरी है, जो कि है पोल्यूशन। इंडिया इस वक्त एक अच्छा खासा पोल्यूटेड नेशन है, और ये वो चीज है जिसमें प्राउड लेने वाली बात तो है नहीं, लेकिन आखिर इंडिया का फिर फ्यूचर में क्या होगा। देखो, फ्यूचर में लगता है कि चीजें बेहतर ही होंगी, क्योंकि इंडिया में धीरे धीरे व्हीकल से होने वाले पोल्यूशन को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम लोग टिल्ट कर रहे हैं, साथ ही फॉसिल फ्यूल्स जलने से जो पोल्यूशन होता है अभी भी और फ्यूचर में भी हम लोग बहुत हद तक शिफ्ट हो जाएंगे क्लीन एनर्जी की तरफ, जिसमें सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन, इनको इस्तेमाल में लेंगे एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। इंडिया में वैसे होता हुआ कंस्ट्रक्शन भी डर्ट, मिट्टी, धूल वगैरह पोल्यूशन में बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करता है। जो रूरल एरियाज है वहाँ पर जो कुकिंग फ्यूल यूज होता है जैसे कि काउडंग हो गया या नॉर्मली जैसे वुड यानी कि लकड़ियाँ यूज होती हैं, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूशन में, जिसमें अभी गवर्नमेंट फ्यूल के लिए रूरल एरियाज में भी LPG यानी जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उन्हें पहुंचा रही है। धूल धक्कड़ वाली जगहों पर भी अगर आसपास में पानी डाल दिया जाए तो धूल कम उड़ती है। खैर, कोशिश तो है थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कंट्री से फ्यूचर में पोल्यूशन को खत्म करेंगे, क्योंकि यह अब ऑप्शनल नहीं है, नेसेसिटी बन चुका है। और आखिर में बात करेंगे हम लोग हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में। तो 100 साल बहुत लंबा पीरियड है इसरो के लिए कुछ प्रोडिक्ट करने का। इंडिया का स्पेस स्टेशन तो शायद आपको देखने को मिल ही जाएगा उस समय तक, यानी अगर स्पेस स्टेशन होगा तो इंडिया के अंतरिक्ष यात्री भी स्पेस में जा रहे होंगे। लेकिन मैं तो खासकर इस चीज पे इंटरेस्टेड रहूंगा कि फ्यूचर में इसरो के अलावा प्राइवेट प्लेयर्स इंडिया में कैसे स्पेस के फील्ड में एंट्री करते हैं। SpaceX आज काफी सक्सेसफुल है, साथ ही इसने ये प्रूफ किया है कि प्राइवेट सेक्टर स्पेस में आ सकता है। तो क्या अगले 100 सालों में इंडिया में भी कोई SpaceX होगी, कोई ऐसी प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि कम खर्च में स्पेस में अपने मिशन पूरे करेगी? हाँ, हो सकती है शायद। तब तक खैर इसरो काफी जगहों तक पहुंच चुका होगा, जिसमें वीनस, जुपिटर, सैटर्न, एक मून है जुपिटर का यूरोपा, वहाँ पे ये सब जगहों पर इसरो जा चुका होगा। और इसरो के थ्रू शायद नहीं लेकिन ह्यूमन मार्स तक भी जरूर जा चुके होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली क्या पता मार्स में उस समय इंटरनेट हो। तब तक अगर यूट्यूब रहा और मेरा चैनल सही सलामत रहा तो कोई इस वीडियो को 100 साल बाद मार्स से ही देख रहा हो। तो खैर, पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट्स हैं, जिसमें एक ये भी है कि वीडियो एग्जैक्टली बिल्कुल सही हो, एक ये भी है कि चीजें फ्यूचर में वैसी हो ही ना जैसे हमने प्रेडिक्ट किया है। वैसे आप 100 साल बाद इंडिया को कैसा देखना चाहते हैं, आप लोगों ने इंडिया के बारे में क्या सोचा है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।